अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से 12.1 ठीक है. अ मैन raises his left hand in front of the plane mirror. The image facing him is raising his hand that is right. Explain why. So हमें कहा गया है कि एक आदमी है जिसने अपना हाथ उठाया है, ठीक है, एंड उसने हाथ उठाया है लेफ्ट वाला, ठीक है, एंड वो अपना लेफ्ट हैंड का इमेज देख रहा है मिरर के अंदर, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर. तो उस प्लेन मिरर के अंदर उसने अपना हालांकि लेफ्ट हाथ उठाया है लेकिन वो यूं लग रहा है कि उसका राइट हैंड है, ठीक है. तो ये क्यों हुआ है बेसिकली, ठीक है. अब हमें कहा गया है एक प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड है, ठीक है, जो कि मैंने उठाया, लेकिन मिरर से जब हमें इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है राइट, हमें ऐसे लग रहा है कि वो राइट हैंड है, ठीक है. सो ऐसा क्यों हुआ? सो बेसिकली प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हर चीज़ को इन्वर्ट करके दिखाते, ठीक है. इन्वर्ट इन अ सेंस कि अगर कोई चीज़ इस तरह से है, लेट सपोज हम कोई भी लेटर ले लेते हैं बी, ठीक है, इसका जब हम इमेज देखते हैं, जो प्लेन मिरर्स हैं हमारे आम मिरर जिनमें शीशा हम देखते हैं आईना, ठीक है, तो अब जब बी को इसमें देखेंगे तो ये हमें इस तरह से बना नज़र आएगा. और सिमिलर केस यहाँ पे है कि लेफ्ट हैंड हम दिखा रहे हैं लेकिन हमें क्या लग रहा है, राइट हैंड लग रहा है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है. ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स ये बिल्कुल उतना ही साइज का होगा, ठीक है. वर्चुअल इस सेंस में है कि हमें पीछे कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है. प्लस इरेक्ट. इरेक्ट अब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम खाली इन्वर्टेड का वर्ड यूज करें तो ये तो इस तरह से बनना चाहिए था, ये बी का तो नहीं. अगर लेट सपोज हम पी देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका इन्वर्टेड यूं बनना चाहिए था, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारे केस में ये कौन से केस में आता है? अगर हम लोग कनकेव मिरर्स या कन्वेक्स मिरर्स लेंसेज की बात करें, लेकिन हमारा और किस तरह से प्लेन मिरर में बनेगा, ये इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है. सो ये क्या है, या अगर हम इस फॉर्म में जाएं तो ये हमारा कौन सा इमेज बन चुका है? ये हमारा इन्वर्टेड इमेज बन चुका है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है? लेटरल इन्वर्जन इमेज बन रहा है, जो कि बेसिकली वर्चुअल तो है लेकिन सीधा है. ऐसा नहीं हुआ कि ये टेढ़ा हो गया, कि इसका ऊपर ये वाली साइड थी एंड ये नीचे चलेगी, ऐसा नहीं हुआ. तो ये क्या है? इरेक्ट इमेज है, ठीक है. वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ इमेज, ठीक है. जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज बनेगा, ठीक है. तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर्स की, एंड इसी तरह लेंजेस की भी. तो उनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमेजेस को पढ़ा कि अगर हम लोग एक मिरर यूज़ करें, कभी वो रियल इमेज दे रहा है, ठीक है, दूसरा यूज़ करेंगे तो वो वर्चुअल इमेज देगा, एक इन्वर्टेड इमेज देता है, दूसरा जो है हमें बिल्कुल इरेक्ट इमेज देता है. इसी तरह से हमारे जो प्लेन मिरर हैं उनकी भी एक क्वालिटी है कि वो किस तरह का मिरर वो हमें इमेज देते हैं, विजुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हैव, ठीक है. सो ये हमारी प्रॉपर्टीज की वजह से प्लेन मिरर हमेशा हमें ऐसा ही इमेज देगा और ये लेटरल इन्वर्जन उसकी प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पे हमें ऐसा इमेज मिलता है. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. द नेक्स्ट वन इज 12.2. In 12.2 is, in your own word, explain why light waves are reflected at the boundary between two materials. So, हमसे पूछा गया है कि हमें explain करना है कि क्यों ऐसा होता है कि light wave जो है, जैसे दो, let's suppose ये हम दो material use करें, यहाँ पे हमारा है water, ठीक है, यहाँ पे है हमारी air, ठीक है, ये इस बाउंड्री से जैसे ही हमारी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रेक्शन का प्रोसेस शो करती है, वाई, ठीक है. तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रेक्ट कर जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों करती है, बेसिक हमें उसकी रीज़न बतानी. सो इट इज़ ओनली ड्यू टू द
चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. अब देखिए एयर में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. जबकि वाटर में स्पीड चेंज है. इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेट सपोज वाटर की जगह ग्लास लिख लें, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट चेंज है. तो यहाँ से जब हमारी लाइट रे आ रही होती है, ठीक है, नीचे से जा रही है, ऊपर से आ रही है, किसी भी मीडियम से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस तभी शो करेगी जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी और उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो स्पीड के चेंज होने के बिहाफ पे एक जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो करती है, ठीक है. सो बेसिक रीज़न ही हमारी क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट हमारी, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, एंड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो होता है. सो ये थे हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. नाउ द थर्ड वन इज एक्सप्लेन वाई अ फिश अंडर वाटर अपेयर टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सर्फेस देन इट एक्चुअली इज, डज इट अपेयर डीपर और शेलवर. सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अब, कि हमारे पास ये एक बिल्कुल फ्रेश वाटर है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें फिश को, ठीक है, इस तरह से एक फिश है, ठीक है, अब ये हमें डिफरेंट डेप्थ पे नज़र आ रही है, ठीक है, एक्चुअल में वो किसी और पोजीशन पे होती है लेकिन हमें किसी और पोजीशन पे नज़र आ रही होती है, ठीक है, तो वो क्यों आती है. और अगर हमें लेट सपोज फिश यहाँ पे जा रही है, हमें वो दिखाई दे रही है कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर जा रही है, तो ये डीपर कहलाएगी या शेलवर कहलाएगी. डीपर, डीपर मीन्स हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये बिल्कुल डेप्थ में है, या शेलवर मतलब कि हम अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें पानी के ऊपर वाली सतह के करीब नज़र आएगी. सो हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है, ठीक है. अब देखें पहली बात है कि हम लोग कौन सा मीडियम ले रहे हैं, पहले वाटर को डिस्कस करें. वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी क्या है, एयर प्रेजेंट है. अब हमारी लाइट रे कहाँ से आ रही है, पानी के अंदर से गुजर के आ रही है, ठीक है, और ये क्या बनाएगी, ये इस फिश से टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद ये यहाँ पे आई, और जैसे ही वाटर सरफेस और ये क्या आ चुकी है, बाउंड्री, यहाँ पे हर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, एयर और वाटर, ठीक है, वाटर यहाँ पे एयर ख़त्म हो जाती है और साथ ही यहाँ पे पानी शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये एक बाउंड्री लाइन है. अब यहाँ से जैसे ही अगले मीडियम में जाएगी, तो लेट सपोज ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो इस तरह से, ठीक है, अब रेयर मीडियम में गई तो ये मूव कर गई इस तरह से, ठीक है. तो अब क्या हुआ है कि हमारा अगर हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू, अब हम डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/n साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है. सो इसके बिहाफ पे हमें क्या लगेगा, लेट सपोज अगर हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, अब 1/1.5 क्या हो जाएगा, वो और हमें कम वैल्यू देगा, तो इसके बिहाफ पे हमें क्या लगेगा, हमारी जो आँख है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वर की आई, उसको ऐसा फील होगा कि ये जो ये फिश जो है ये करीब आ चुकी है पानी की सरफेस पे, ठीक है. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम डेंसर टू रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं, जैसे ही लाइट रेज इस फिश से टकरा के हमारे दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगी, ठीक है, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से हमें ऐसा फील होगा कि ये पानी के करीब आ चुकी हैं, ठीक है, ऑल्दो के वो नीचे होती हैं बहुत, लेकिन हमें अगर वो फ्रेश वाटर है तो हमें ऐसा लगता है कि वो पानी की सरफेस के बिल्कुल करीब आ चुकी है, ठीक है, और बिल्कुल करीब आने की वजह से हमें क्या फील होगा कि ये हमारे करीब है, शैलोअर है, यानी डीप नहीं है, पानी के नीचे नहीं है बल्कि ऊपर ऊपर तैर रही है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम था कि हमें आई ओवर आर की रेशियो बताता है, कांस्टेंट रेशियो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और चेंज होने की बिहाफ पे हमें ये जो फिश है वो
बिल्कुल ऐसा फील होता है कि सरफेस ऑफ वाटर पे ही तैर रही है, ये बिल्कुल उससे थोड़ा सा नीचे है, तो उस चीज़ को हम शैलवर कहते हैं। इसीलिए जो हमारे फिशरमैन हैं उनको भी ऐसा ही फील होता है कि फिश जो है वो पानी के बहुत करीब जा रही है, ऊपर की सरफेस पे ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ी डेप्थ में ही प्रेजेंट होती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.4, व्हाई और व्हाई नॉट कनकेव मिरर आर सूटेबल फॉर मेकअप। सो कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, कनकेव मिरर। अब हमसे पूछा गया है क्या ऐसा होता है कि अगर गर्ल्स मेकअप कर रही हो या बॉयज़ को शेव करनी होती है, ठीक है, तो उनके लिए कनकेव मिरर ही सूटेबल है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हमने इस तमाम रीज़न को डिस्कस करना है। अब देखें, हम कनकेव मिरर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी आपने शेव करनी होती है या मेकअप करना होता है, आपको ऐसा चाहिए होता है मिरर जो आपको हर चीज़ क्लोज करके दिखा सके, मतलब इन लार्ज इमेज दिखा सके। अगर आपसे मिरर थोड़े ज़्यादा फासले पे है तो आप इतना परफेक्टली उस चीज़ को मेकअप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे या शेव बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी। सो हमें क्या चाहिए होता है कि हमें थोड़ा इन लार्ज इमेज चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। अब वो किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे पास कनकेव मिरर के भी डिफरेंट केसेस थे कि लेट सपोज ये हमारा पोल पॉइंट होता है, यानी सेंटर ऑफ द मिरर पोल कहलाता है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ कहीं फोकस पॉइंट लाए कर होते हैं। अब हमारे इसमें भी डिफरेंट केस थे कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें जो इमेज मिलता है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के दरमियान रखते हैं तो जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उतना ही इमेज मिल जाता है। अगर एफ पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और अगर एफ़ और पी यानी पोल के दरमियान रखेंगे तो इमेज कैसा मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट और इनलार्ज इमेज मिलेगा। इट मीन्स कि हमें वाकई में क्या चाहिए, हमें सीधा इमेज चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम मिरर में देखें और हमारा फेस जो है वो डाउनवर्ड आ रहा हो, तो हम किस तरह से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं मेकअप को या किसी भी चीज़ को। लेट सपोज हम अल्फ़ाबेट की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है तो हमें तो नहीं ना ऐसा चाहिए, वो पी है ये और ये स्मॉल बी बन गया, तो हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सीधा इमेज ही चाहिए, ठीक है, और बल्कि इनलार्ज वावा इनलार्ज इमेज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो ऑब्जेक्ट है यानी शीशे को फेस के बहुत करीब ले आते हैं, इतना करीब के उसके पोल और फोकस पॉइंट के दरमियान हमारा फेस जो है वो लाई करें, उसके बिहाफ पे क्या होगा, हमें एक इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलेगा। और कनकेव मिरर ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक इरेक्ट प्लस वर्चुअल प्लस इनलार्ज इमेज रिक्वायर होता है। सो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी यही रीज़न थी कि हमें इरेक्ट वर्चुअल और इनलार्ज इमेज चाहिए होते हैं, इसलिए हम कनकेव मिरर को ही प्रेफर करते हैं फॉर मेकअप एंड फॉर शेविंग पर्पस। द नेक्स्ट वन इज 12.5। इन 12.5 इज व्हाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन द कार कन्वेक्स रादर देन द प्लेन और अ कनकेव। सो हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि ड्राइवर्स जो अपनी कार में यूज़ करते हैं साइड मिरर्स वगैरह, फ्रंट मिरर, बैक मिरर, वो कन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, कन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, और वो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो प्लेन मिरर्स को यूज़ कर लें या वो कनकेव मिरर को यूज़ कर लें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि कनकेव मिरर कैसा इमेज देगा, प्लेन मिरर कैसा देगा एंड कन्वेक्स मिरर कैसा देगा। पहले हम कन्वेक्स की बात कर लेते हैं, कन्वेक्स हमें वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस स्मॉल साइज इमेज, जिसको हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, इसमें होता है रियल इमेज प्लस इन्वर्टेड इमेज एंड डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंगली स्मॉल इक्वल साइज एंड देन हमारे पास एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये कनकेव मिरर के केसेस में हमारे पास आ जाता है। एंड देन प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में हमारे पास एक वर्चुअल प्लस
lateral inverted plus equal size image जो है वो form होते हैं. अब अगर आप simply इस चीज़ को discuss ना करें, अभी फिलहाल के हम लोग किस चीज़ के example ले रहे हैं, आप एक general बात देखें कि आपको जब गाड़ी के शीशे में से पीछे देखना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक नज़र आ सके, ताकि आपको पता हो कि कितनी गाड़ियाँ आपसे पीछे हैं और वो किस पोजीशन पे मूव करती हुई आ रही हैं. ऐसा तो नहीं कि जो आपके पीछे बिल्कुल चल रही है वो बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है, और आप उसको मिरर से देख रहे थे वो ठीक थी, ठीक है, वो आपको कट नहीं कर रही थी या कोई भी डेंजर जोन में नहीं थे आप, ठीक है. तो अगर आप सिर्फ इसी पे कन्फाइन रहेंगे तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्यों? क्योंकि कुछ कार्स यहाँ से और यहाँ से और इतनी कार्स होती हैं, या कोई भी व्हीकल ले लें, वो अचानक से कट करती है और यहाँ से आपके आगे आ जाती है, ठीक है. तो आप सिर्फ एक पे रिलाई नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस तक देखना पड़ता है कि कोई कार ऐसी तो नहीं या कोई भी व्हीकल ऐसी तो नहीं जो कट करके आपको थोड़ा डेंजर कर सकती है, ठीक है. इसका मतलब है आपको ज़्यादा गाड़ियों को देखने, ठीक है, और ज़्यादा गाड़ियाँ, अगर एक शीशे में ही गाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, गाड़ी का साइज़ बड़ा होता है, अगर हम शीशा जो यूज़ करें, हम जो कन्वेक्स मिरर या कोई भी मिरर यूज़ करें, वो क्या करेगा जब वो इमेज बना के दिखाएगा, अगर तो वो इतना एनलार्ज होगा कि वो एक गाड़ी ही नहीं हमें पूरी तरह नज़र आएगी, तो हम बाकियों को तो देख ही नहीं सकेंगे, ठीक है. इसका मतलब है हमें लार्ज रेंज तक सारी व्हीकल्स को देखने और हमें उनका छोटा इमेज देखने. तो पहली बात हो गई कि हमें कौन सा इमेज चाहिए, स्मॉल इमेज चाहिए, ठीक है. इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इसकी ये दो ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी, ठीक है. एंड प्लेन मिरर में भी इक्वल साइज इमेज, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि एक ही गाड़ी का साइज़ हम देखने बैठ जाएं तो वो शीशे में भी पूरा नहीं आएगा, तो हमें तो ज़्यादा गाड़ियों के इमेज चाहिए, ठीक है. अब सेकेंडली क्या है कि अगर ऐसा है कि हम कनकेव मिरर के केस में देखें कि हमें क्या नज़र आता है, गाड़ी इन्वर्टेड नज़र आएगी, ठीक है. इसका मतलब है कि अगर कार यूं है, इस तरह से है, तो हमें कैसी नज़र आएगी, हमें ऐसी नज़र आएगी, ठीक है, हमें उल्ट बिल्कुल इन्वर्ट पोजीशन में नज़र आएगी. और हमें ऐसा भी इमेज नहीं चाहिए कि इसके व्हील्स ऊपर हो, तो इस तरह भी आप उस चीज़ को नहीं सही तरह क्लेरिफाई कर पाओगे कि गाड़ी किस तरह से आ रही है और क्या हमें हार्म तो नहीं कर सकती, ठीक है. इसका मतलब है हमें ये भी नहीं चाहिए. तो हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो चुकी, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बची है, कन्वेक्स मिरर की, जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. एक तो हमें ज़्यादा गाड़ियों का इमेज नज़र आ रहा है, और वो इमेज कब नज़र आएगा, जब हमें स्मॉल साइज़ उनका नज़र आएगा, ठीक है. सो स्मॉल साइज़ भी आ रहा है. देन हमें इरेक्ट वो उन गाड़ियों का सीधा इमेज चाहिए था, ठीक है, इस तरह से इमेज चाहिए था, हमें ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है. एंड विर्चुअल, क्योंकि पीछे करके बन रहा होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम देख सकते हैं. सो इसीलिए हम अपनी कार्स वगैरह में कन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्स वगैरह व्हीकल्स नज़र आ सके. सो ये था हमारी 12.5 का आंसर.